अरे देखो राजा बाबू को खाना बनाते हुए, क्या बन रहा है वैसे? दालमा, और स्पेशल दालमा है, और चावल, अरवा चावल, और टमाटर का खट्टा। टमाटर का ही खट्टा बनता और दूसरा चीज़ का नहीं बनता? वही जो है मतलब स्पेशल आज क्या है? स्पेशल दालमा भात है। स्पेशल दालमा भात और खट्टा के साथ। और इसके अलावा और क्या बन रहा है? इसके अलावा चाय बना है, और जाने समय फिर चाय बनेगा। अरे हम लोग किस प्लेस पे है? हम लोग हैं वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत यहाँ लिखा गया था, वेद मुनि का कुटिया है। और गणेश जी आए थे साक्षात, बैठ के वेद मुनि को डिक्टेट किए थे महाभारत। तो दोनों प्लेस है यहाँ। और जो गुफा है वेद मुनि का, वो तो सरकार बंद कर दिया है। और बीच में बहुत हल्ला भी हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस भी यहीं गली में नहीं। ये यहाँ की विशेषता क्या? यहाँ की विशेषता ऐसा है कि संगम है, त्रिवेणी संगम, बहुत पुराना जगह है। त्रिवेणी के बारे में कुछ बार बोलिए। त्रिवेणी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हो खाली जानते हैं त्रिवेणी संगम। नहीं नहीं, ये दो दिशा से नदी आए हुए हैं। हाँ, ये कोयल नदी और शंख नदी है। अपना एक झारखंड की तरफ से आते हैं, एक छत्तीसगढ़ की तरफ। हाँ, अरे वेद व्यास में मिलाप होता है। मिलाप होता है तो यहाँ तीसरा नदी का और उत्पन्न होता है, वो है ब्राह्मणी। तो कैसा लग रहा आपको यहाँ पे? त्रिवेणी अभी तक तो दाल पक्का नहीं, चूल्हा जला नहीं है, चूल्हा धुआं हो रहा है। चूल्हा का भी लगता सुलग गया है। वीडियो बनाना बंद करे ना। कहा बड़ा तू, कहा तू? ये देखो राज लक्ष्मी जी को, राज लक्ष्मी की खिल्ली।